अगर आपके पास भी एक क्रेडिट कार्ड है कोई भी कंपनी का क्यों ना हो, उस क्रेडिट कार्ड में जो भी लिमिट होता है 20,000, 50,000, 1,00,000, तो उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो उसके बारे में आप बहुत रिसर्च किए होंगे। इससे पहले आप काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कितना पैसा महीने में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, वो सारा प्रोसेस बताऊंगा कितने से कितना आपको कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 500 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है उसमें आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपका महीने का रिक्वायरमेंट है 500 रुपीज़। 500 रुपये आपको अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस से आपके बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है रेंट पे का। पेटीएम का एक ऑप्शन है रेंट पे, जहां पर आपने 500 रुपये को अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बहुत ही इजीली। कोई भी हिडन चार्जेज नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज आपको वहाँ पर नहीं देना है। 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये करना है तो रेंट पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पेटीएम इंस्टॉल करिए, वहाँ पर रेंट पे ऑप्शन यूज करें और 500 से 1,000 रुपये अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो ये बहुत ही अच्छा चॉइस है मेरे हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको मंथली 1,000 से लेकर 2,000 के बीच में अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो आपको ऐप पे एप्लीकेशन को यूज़ करना होगा। ऐप पे एप्लीकेशन भी फ्री है। जब आप यहाँ पर 1,000 से लेकर 2,000 तक ट्रांसफ़र करना है तो भी आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, अगर आप अच्छे से सभी ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो ही। ऐप पे एप्लीकेशन में आप कैसे पैसे को अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 5,000, अगर आप 5,000 रुपया अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। एक एप्लीकेशन होता है मोबीक्विक का, आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। मोबीक्विक एप्लीकेशन में आपको लोड वॉलेट में जाना होता है और अपने क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वहाँ पर लोड करना होता है। लोड करने के बाद अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ ही घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है 5,000 तक। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर क्या करते हैं, पेटीएम हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, जिसमें आपको 2 से 3% तक आपको लग जाता है चार्जेस, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आपको 10,000 तक आपको पैसा लेना है अपने क्रेडिट कार्ड का तो आप कैसे करेंगे। काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जैसे कि पेटीएम है, जोमाटो है, ऊबर है, जियो है, इन सभी एप्लीकेशन में आप ऐड वॉलेट कर सकते हो। वहाँ पर वॉलेट में ऐड करेंगे, अगर वहाँ पर 0.50% भी कटता है तो ही क्या बात है। जैसे कि 10,000 में 50 रुपये कटता है मान लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर चार्ज लेते हैं तब भी करना है 0.50% तक, यानी कि 10,000 में 50 रुपये आपको पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो ये जो सारी एप्लीकेशन है, पेटीएम है, जोमाटो, जियो, ओबर, ये सारी एप्लीकेशन में आप ऐड वॉलेट कर सकते हो और 10,000 तक अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बाद सबसे बड़ा अमाउंट है वो है 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में। अगर इतना अमाउंट का आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है उसमें अगर आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो आपको हमेशा आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। जब आपको पता ही होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी को खरीदना ही एक ऑप्शन है जहां पर आप यहां पर ख़रीद सकते हो और साथ में बेच भी सकते हो, तो आपको क्रिप्टो करेंसी का जो भी आप एप्लीकेशन यूज करेंगे, जो भी एप्लीकेशन में आपको सीधे ही क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल्स है वहां पर एंटर करके नहीं ख़रीदना है, आपको थ्रू द एप्लीकेशन जाना होगा, मोबीक्विक हो या फिर कोई और सा भी हो, तो आपको उस एप्लीकेशन में ही आपको अंदर जाके ऐड वॉलेट नहीं करना है, सीधे ही आपको थ्रू द उस एप्लीकेशन में जैसे कि गेटवे होता है आपको उस तरीके से मोबीक्विक सेलेक्ट करना है और इस डिटेल्स देना है और आप वहां पर ख़रीद सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है और टाइम लिमिट के हिसाब से रहता है, आपको पक्का इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही आप 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में ट्रांसफ़र करना होगा, नहीं तो आपका पैसा वहां पर फंस जाएगा। सो ये था कुछ प्रोसेस, कुछ एप्लीकेशन। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस देखना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।